अब रुख करते चिमूर तहसील की ओर, जहां एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प की ओर से क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मान्यवरों ने क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प चिमूर के सभागृह में क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की जयंती के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी चिमूर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के स्थान पर पूनम रमेश गिनाम मौजूद थी और वहीं कार्यक्रम के उद्घाटिका के रूप में कृषि मंडल अधिकारी संपदा इंगुड़कर मौजूद थी और वहीं कार्यक्रम के प्रमुख मेहमानों में चिमूर पुलिस स्टेशन के PSI कांताराज रेजीवाड़, उप जिला रुग्णालय की अमृता मालेकर, मंदादाई कुंटेवार की प्रमुख रूप से उपस्थिति थी। कार्यक्रम में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की वेशभूषा धारण की माधुरी ताई ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में अपना मनोगत व्यक्त किया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को पुष्पहार तथा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मान्यों का स्वागत अर्चना सोनोरा ने स्वागत गीत द्वारा किया। साथ ही इस मौके पर वहाँ पर मौजूद मेहमानों ने अपना मनोगत व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन रजनी कुमरे विस्तार अधिकारी ने किया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन आशा करदार ने किया और वहीं कार्यक्रम का आभार माया मिश्रा पर्यवेक्षिका ने किया। इस कार्यक्रम में संजय इंगड़े, चालुताई तथा सभी आंगनवाड़ी सेविका मदतनीस सभी का विशेष सहयोग मिला। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।